नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। हम सबसे पहले जरा खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन आ रही है उससे जुड़ी तमाम चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत में कोरोना का टीका पहुंचेगा कैसे आप तक, ये आपको विस्तार से बताएगा आज तक। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अगर एड्रेस प्रूफ नहीं हुआ तो कैसे लगेगा टीका, वैक्सीन की पूरी डिलीवरी चेन क्या होगी और इसमें आपका नंबर कब और कैसे आएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही वैक्सीन पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देंगे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन। खबरदार में आपके लिए वायरस और वैक्सीन पर जानकारियों का अंबार है। भारत बायोटेक अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की मदद से नाक से दी जाने वाली वैक्सीन बना रहा है। इसकी एक डोज से कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी मिल सकेगी। इस वैक्सीन के बारे में आपको बताएंगे और भारत में ही आपके काम का एक रिसर्च हुआ है। चंडीगढ़ और हैदराबाद में CSIR और CCMB की कोरोना स्टडी में ये जानने की कोशिश की गई है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से फैलने के क्या चांस हैं। CSIR ने यह भी बताया है कि आम लोगों को किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सारी जानकारियां हम आपको देंगे और कोरोना के नए स्ट्रेन से भी खबरदार रहना जरूरी है। नया कोरोना कैसे किसी देश को बंद करवा सकता है, इसे समझने के लिए ब्रिटेन की तस्वीरें सबको देखनी चाहिए। लंदन के लॉकडाउन की वीडियो डायरी हमारी टीम ने वहां से भेजी है, आप इसे ब्रिटेन के कोरोना वाले सन्नाटे की ग्राउंड रिपोर्ट कह सकते हैं। इसे देखना और पूरी सावधानी बरतना आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगा। अगले हफ्ते से देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान यह है, और सिर्फ देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नहीं है बल्कि समूचे विश्व में इस पैमाने पर कहीं पर भी टीकाकरण हुआ ही नहीं है। सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को यह टीका लगाया जाएगा और हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। इस मेगा मिशन के 3 चरण हैं। पहला चरण वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन का, यानी वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। दूसरा चरण आइडेंटिफिकेशन और वैक्सीनेशन का है, यानी जिसे टीका लगाना है पहले उसकी पहचान करना और फिर टीका लगाना। तीसरा चरण है फॉलोअप का, यानी टीका लगने के बाद संबंधित व्यक्ति को मॉनिटर करना, किसी तरह के साइड इफेक्ट्स पर उससे सूचनाएं लेते रहना। पहले चरण में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, यानी वैक्सीन का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री से वैक्सीन एयर ट्रांसपोर्ट से सरकार के 4 मुख्य मेडिकल डिपो में पहुंचेंगे। ये 4 डिपो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हरियाणा के करनाल में है। यहां से वैक्सीन रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों के जरिए अलग अलग राज्यों के 37 स्टेट वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचाई जाएगी। स्टेट वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन की डिलीवरी होने के बाद राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जरूरत के अनुसार वैक्सीन के स्टॉक को अलग अलग जगह भेजें। स्टेट वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन का स्टॉक डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर में भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से फिर वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर तक भेजा जाएगा, जहां पर लोगों को टीका लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। हर सेंटर पर वैक्सीन स्टोरेज के टेम्परेचर ट्रैकर होंगे, जो रियल टाइम डेटा को एक सेंट्रल सर्वर में अपलोड करेंगे। पुणे में एविएशन का एक कमांड सेंटर होगा, जो वैक्सीन के एयर ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट पर 24 घंटे निगाह रखेगा। यानी वैक्सीन पहुंचाने वाला सिस्टम रेडी है, वैक्सीनेशन का पूरा खाका तैयार है और वैक्सीन लगाने वाले सिस्टम का टेस्ट लगातार चल रहा है। दुनिया भर में भले ही टीकाकरण शुरू हो चुका हो, लेकिन जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो दुनिया दंग रह जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाना मामूली बात नहीं है। 30 करोड़ आबादी को पहले ही चरण में टीके लगाने का टारगेट दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। देश ने संकल्प कर लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश तैयार है। फैक्ट्री से फ्रंटलाइन तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, खाका बन चुका है।
वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या तैयारी होनी चाहिए, इसके लिए पिछले 5 दिन से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। अब आपके पास कुल 5-7 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए जो भी होमवर्क करना है या पहले कर लें। देखिए, क्रम जो भारत सरकार ने तय किया है, इसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को हमें इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाना है। एक एक चीज के बारे में पूरी तैयारी की गई है और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, तो पूरे देश में होगा, बहुत अच्छे ढंग से केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को पूरा करें। वैक्सीनेशन आप तक सही से पहुंचे, किसी तरह की दिक्कत ना आए, वैक्सीनेशन बिना किसी रुकावट के हो, वैक्सीनेशन में कोई गलती ना हो, एक एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर पर कैसे लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगी, डेटा कैसे इकट्ठा होगा, कैसे अपलोड होगा, टीका कैसे लगेगा, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, टीका लगने के बाद मॉनिटर कैसे करना है, किसी की हालत बिगड़ने पर क्या इंतजाम रखने हैं, देश भर में मिशन वैक्सीनेशन की टीम वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की प्रैक्टिस कर रही है। अब देश के हर जिले में 8 जनवरी को एक साथ ड्राई रन होगा। यूपी में 11 तारीख को तीसरा और फाइनल ड्राई रन किया जाएगा। इसके बाद 14 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। वैक्सीनेशन की स्पीड और उसके असर पर ही हर राज्य की आगे की रणनीति टिकी है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसका डेटा पहले से ही सभी राज्यों के पास मौजूद है, इसीलिए इसमें कोई देरी नहीं होगी। फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स और इसके बाद उन लोगों की बारी आएगी जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जो लोग किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो मिशन वैक्सीन के पहले चरण में हमने आपको बताया कि किस तरीके से वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत जितनी बड़ी आबादी पूरी दुनिया में नहीं है, और यहाँ पर किस तरीके से आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स में इन्हें आगे तक बढ़ाया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्टोर वैक्सीन को वैक्सीन कैरियर के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाना है। जो बेनिफिशियरी है यानी जिन्हें टीका लगना है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही उन्हें वैक्सीनेशन का टाइम मिल जाएगा कि उन्हें कब टीका लगवाने आना है। इसके बाद उन्हें अलॉट किए गए समय पर टीका लगाया जाएगा। लेकिन टीका लगने के साथ ही यह प्रक्रिया खत्म नहीं होती, इसके बाद वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा जिसमें टीका लगते ही बेनिफिशियरी को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज मिलेगा, यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, कोड बेस्ड QR सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद टीका लगवाने वाले से किसी तरह के साइड इफेक्ट्स पर सरकार लगातार सूचनाएं लेती रहेगी। तो ये सारी प्रक्रिया को समझना जरूरी है और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी समझना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे सवाल टीके को लेकर इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति इस पर खूब हो रही है। तो हम आपको प्रोफेसर के राघवन की वो बातें सुनाते हैं जिनमें वो इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। वो देश की सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। स्वागत है विजय राघवन साहब आपका आज तक पर। बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या आपको लगता है भारत बायोटेक के वैक्सीन को जल्दबाजी में अप्रूवल दे दिया गया? वैक्सीन को लेकर जो राजनीति चल रही है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें तुलना ये बात की है कि एक साइड पे हमारी पैंडेमिक है, साथ में ये महामारी में नए स्ट्रेन आए हैं UK और साउथ अफ्रीका में जो फैलाव रोग की बढ़ा रहे हैं। फैलाव ज़्यादा जब होती है उसका मतलब यह है कि हमारा पूरा सिस्टम स्ट्रेन पे आ जाएगी। जैसे UK में अभी देखिए फिर से लॉकडाउन आ गई और उनका पूरा नेशनल हेल्थ सिस्टम बड़ी स्ट्रेन पे है। हमने काफ़ी कम किया है पूरा फैलाव, वो लगे रखना है। अगर इसको आगे जाना है तो दूसरे साइड पे हमारे एक यंत्र है जो वैक्सीन है जो एक कम कर सकती है।
इसके लिए जितने ज्यादा वैक्सीन हमारे हाथ में हो उतना अच्छा है, और देश में दो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और भी मैन्युफैक्चर होंगे, ये बहुत बढ़िया है। वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ साथ ट्रायल्स भी चालू है, लेकिन ये जल्द के कारण जल्द नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसीलिए ऑथराइजेशन दोनों को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई है, दो दो अलग तरफ से, लेकिन दोनों को वही दोनों को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है। क्या ये कहना ठीक है कि कोवैक्सीन का ट्रायल ठीक से नहीं हुआ? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरी तरह से सहमत थी, संतुष्ट थी? नो, वो बिल्कुल गलत है कि ये कहना कि ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ है। पूरी विश्वास रखना चाहिए कि ये सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी ट्रायल्स बिल्कुल सेफ ठीक तरह से हुई, ये बहुत बढ़िया वैक्सीन है और बढ़िया वैक्सीन बनेगी, फेज 3 ट्रायल्स खत्म होंगे और पूरा विश्वास है कि ये वैक्सीन बहुत बढ़िया वैक्सीन होगी। उसी तरह से एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन ब्रिजिंग ट्रायल्स भी यहाँ कंप्लीट होगी, सारी दुनिया में उनके फेज 3 ट्रायल्स भी कंप्लीट होगी, और दोनों वैक्सीन हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि दोनों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। लेकिन सर, आमतौर पर एक वैक्सीन को आने में 8 से 10 साल लगते हैं। कोरोना की वजह से तमाम देशों ने अपने यहाँ पर रिसर्च, ट्रायल और अप्रूवल के सिस्टम को, उस प्रोसेस को छोटा किया। 10 महीने में वैक्सीन अप्रूवल आ रहे हैं, ऐसे में क्या हर देश की वैक्सीन में रिस्क है या सिर्फ कोवैक्सीन में रिस्क है? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हर वैक्सीन में रिस्क और बेनिफिट वे की जाती है। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन दिए जाते हैं जिनको कोई रोग नहीं है ज्यादातर, मतलब हेल्दी पीपल को दी जाती है, इसलिए उनका सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, काफी हाई है। हमारे वैक्सीन जो हैं वो पूरी सेफ्टी मेजर्स को सेटिस्फाई किए हैं, जैसे कि बाकी देशों की वैक्सीन भी, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है उसमें। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ में काम करते हुए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रायल साथ में ले जाके ये हो सकती है कि कई सालों का काम एक साल में किया गया, उसमें कैसा काफी इन्वेस्टमेंट भी लगती है और वो इन्वेस्टमेंट भी आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों में फर्क क्या है? या फिर मैं पूछूं कि इमरजेंसी अप्रूवल और रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल, इन दोनों में क्या अंतर होता? वैक्सीन का प्लेटफॉर्म, जिस मतलब जिस बेसिस पे वैक्सीन बनाया जाता है, उन दोनों में फर्क है। कोवैक्सीन एक एडेनो वायरस वैक्टर को लेके उसमें सार्स कोरोना वायरस के जीन लगा के वो बनाते हैं वैक्सीन। यहाँ कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब सार्स कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके पूरी तरह से वो वैक्सीन किया जाता है, तो ये एक फर्क है। साथ में जो रिजल्ट आई है, आपने पूछा कि उनकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में क्या अंतर है, उसमें यह है कि कोवैक्सीन में एक तरह की इमरजेंसी यूज दिया गया है, जैसे उनकी फेज 3 रिजल्ट्स जो बाहर से आई है और इनकी ब्रिजिंग ट्रायल्स भारत में है, उन दोनों के रिजल्ट आते आते इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, और पूरी ऑथराइजेशन जब फेज 3 खत्म होगी और ब्रिजिंग ट्रायल्स खत्म होगी तब दिया जाएगा। कोवैक्सीन के लिए फेज 3 ट्रायल्स जारी है, कुछ ही हफ्तों में, एक दो महीने के अंदर ही उनकी रिजल्ट आने लगे। उनकी एक दूसरी तरह की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, जिनकी क्लिनिकल ट्रायल मोड, यानी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होगी जो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तैयार करके वो वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये शुरुआत से तय है कि किसको किस क्रम में लगाया जाएगा टीका। सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये टीका लगाया जाना है, और इस तरीके से आगे बढ़ेगा पूरा मामला। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको टीका लगना है, तो आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टीकाकरण है वो एक कोविन ऐप के नाम से होना है, लेकिन जिसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन भी अपनी करवाएंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है और कोविन के नाम से कई फेक ऐप चल रहे हैं, इनके जरिए फ्रॉड किया जा सकता है। इसलिए जब तक सरकार द्वारा अप्रूव्ड ऐप लॉन्च न हो जाए तब तक संयम रखें आप। लॉन्च होने के बाद आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर कोविन पोर्टल पर जाना होगा। ऐप आने के से खुद को आप सेल्फ रजिस्टर करा सकते हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्यौरा भरना होगा,
फोटो अपलोड करनी होगी और फोटो वाला कोई पहचान पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जो आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगा। इसके बाद वैक्सीन की पहली डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, दिन और समय की जानकारी आपको SMS के जरिए मिलेगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज की जानकारी भी इसी तरीके से SMS से आपको मिलेगी। बिना फोटो आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं आप। इसके अलावा पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक को भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है और इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब वैक्सीनेशन के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा और जब आप निर्धारित समय पर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां पर आपकी फोटो आईडी की जांच होगी, फिर आपको वेटिंग रूम में ले जाया जाएगा। वेटिंग रूम में आपकी जानकारियों का मिलान होगा, फिर आपको वैक्सीनेशन रूम में टीका लगवाने के लिए जाना होगा। टीका लगवाने पर आपको एक और मैसेज मिलेगा। इसके बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में आपको रहना होगा। 28 दिन बाद आपको तीसरा SMS आएगा जिसमें आपको वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए बुलाया जाएगा। जब दूसरा डोज लग जाएगा और 14 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, आपकी जांच होगी, तो आपको चौथा SMS आएगा कि आपका वैक्सीनेशन अब पूरा हो गया है। अब आपको खबरदार में हम कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, या फिर कहें तो हम आपको एक्स्ट्रा खबरदार करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो टीकाकरण की बात हो रही है लेकिन दूसरी तरफ नाक के जरिए टीका काम कर सकता है, उस पर किस तरह की का काम हुआ है देश में। भारत बायोटेक दो इंट्रानेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन जो कि एक नेजल ड्रॉप की तरह काम करेगी, उस पर काम चल रहा है। इसके लिए अमेरिका का सहयोग लिया जा रहा है। इनमें से एक वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। दूसरा नेजल वैक्सीन अमेरिका की वैक्सीन कंपनी फ्लूजन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के सहयोग से तैयार हो रहा है। भारत बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि नेजल वैक्सीन सबसे अच्छा विकल्प होता है। इस वैक्सीन को लगाना बहुत आसान होगा, टीकाकरण तेजी से हो पाएगा, लोगों को कोरोना वायरस से लंबे समय तक इम्यूनिटी मिल पाएगी। अच्छी बात यह है कि इसे बच्चों को भी दिया जा सकता है। हालांकि कैंसर के मरीजों और गर्भवती महिलाओं को यह वैक्सीन नहीं दिया जा सकेगा। If we want to stop the transmission, nasal is the only route. Nasal will protect the mucosal immunity, the IgA response will knock off the entire virus as soon as it enters. As soon as it enters, it knocks off, so you stop the transmission. जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है उस समय से एक बात पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है, वो ये कि क्या कोरोना का जो वायरस है वो हवा के जरिए भी फैलता है। अब जैसे जैसे ये रिसर्च आगे बढ़ रही है एक मुकम्मल तस्वीर लेती जा रही है। आपको बताएं कि कुछ शहरों में जो रिसर्च हुई है उसके नतीजे क्या कहते हैं। भारत में CSIR, CCMB हैदराबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ ने यह स्टडी की है कि कोरोना के हवा से फैलने का कितना चांस है और क्या प्रमाण है। चंडीगढ़ और हैदराबाद के 6 अस्पतालों में स्टडी की गई। बंद कमरों में एक कोरोना मरीज से 4 फीट से 10 फीट के दायरे में हवा से सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने का चांस दिखाई दिया। यानी अगर कई मरीज हैं तो चांस बहुत ज्यादा है। स्टडी के अनुसार जब कोरोना संक्रमित मरीज लंबे समय तक एक कमरे में रहते हैं तो ये वायरस भी कम से कम 2 घंटे तक वहां हवा में रहता है। ऐसी जगहों पर मास्क लगाना बहुत कारगर रहा और अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड क्षेत्रों को मार्क करने से भी मदद मिली। ये भी पाया गया कि कई बार 20 मिनट तक संक्रमण वाले कमरे में रहने पर भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी कम देर के लिए एक्सपोजर होता है तो संक्रमण का चांस कम हो जाता है। ज्यादातर मामलों में संक्रमित व्यक्ति से 12 फीट की दूरी पर लिए गए सैंपल नेगेटिव पाए गए। अपनी स्टडी के आधार पर CSIR ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसके अनुसार कम से कम 3 से 6 फीट तक की सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा अगर 30 मिनट तक की हो और उस दौरान तमाम सावधानियां बरती जाएं तो संक्रमण का चांस कम होता है। पब्लिक टॉयलेट में मास्क का प्रयोग जरूरी है। बंद सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा समय तक रुकना जोखिम भरा हो सकता है। खुली हवादार जगह संक्रमण से काफी हद तक बचा सकती है। एक तरफ दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना के नए नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं। जो पहला स्ट्रेन ऐसा था जो सबसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा था वो ब्रिटेन से सामने आया और इसमें चिंता करने की बात इसीलिए ज्यादा रही क्योंकि 70% ज्यादा तेजी से ये पुराने कोरोना से ज्यादा तेजी से फैल रहा था और दुनिया भर के सारे देश
इस कोरोना के नए स्ट्रेन से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए स्ट्रेन के सबसे पहले केस की पुष्टि ब्रिटेन में हुई थी, जहां 14 दिसंबर को नए स्ट्रेन का पहला मरीज सामने आया था। नया स्ट्रेन अब तक दुनिया के 41 देशों में दस्तक दे चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में मंगलवार को नए स्ट्रेन के 20 केस आए थे। बुधवार यानी आज नए स्ट्रेन के 13 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में इस स्ट्रेन से के कुल मरीजों की संख्या जो है वो 73 पर पहुंच गई है। अब इसी स्ट्रेन के सामने आने की वजह से ये हुआ कि जो 26 जनवरी पर खास मेहमान के तौर पर वहां के प्रधानमंत्री को आना था, उन्होंने अपनी विजिट को रद्द किया, और इसके साथ ही इंग्लैंड को लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। लेकिन वहां की क्या परिस्थितियां हैं, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, क्योंकि ये बेफिक्र नहीं होने का समय है, ये अधिक खबरदार होने का समय है। In England, we must therefore go into a national lockdown, which is tough enough. इस वक्त मैं हूँ ऑक्सफर्ड स्ट्रीट में, जहाँ पर आप देखें आमूमन इस वक्त बहुत से लोग होने चाहिए, क्योंकि बहुत सेल यहाँ चलती है। ये गढ़ है दुकानों का, शॉपिंग का, खाने पीने की जगहों का, लेकिन इस वक्त बहुत ही एसेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और लोग हैं वही यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि एसेंशियल जितने भी चीज़ें हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे दुकानें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हुआ, लेजर सेंटर हुआ, लेजर रेस्टोरेंट्स बंद हैं, दुकानें, कपड़ों की दुकानें, इस तरह की सारी नॉन एसेंशियल रिटेल में आती हैं वो बंद है। इस वजह से करीब 17 बिलियन पाउंड्स का नुकसान, ऊपर 17 बिलियन के ऊपर का नुकसान यहाँ रिटेल सेक्टर को हो चुका है। ब्रिटेन में अभी ठीक से वैक्सीनेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि एक और सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। लंदन की ये दो तस्वीरें दिखाती हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन कैसे नए साल में भी खुद को 21 साबित करने पर अड़ा है, जिससे ब्रिटेन एक बार फिर लड़खड़ा गया है। कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन पाया गया है, इसकी वजह से इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहे हैं। कई दफा 50, कभी 55, कभी 57,000 लोग रोज केसेस आते हैं, और टियर 5 लॉकडाउन में लंदन के होने का वजह मतलब ये हुआ कि आपस में हाउस होल्ड नहीं मिल सकते, स्कूल बंद हैं मिड फेब्रुअरी तक, और जब हेल्थ कंडीशन हो तभी आप बाहर जा सकते हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते, बहुत से बहुत एक्सरसाइज करने आप बाहर जाएं, जिस तरह के बहुत सारे छोटे बड़े रेस्ट्रिक्शंस लोगों पर लगाए गए हैं, और रेस्टोरेंट में आप नहीं जा सकते, तो है बंद ही हैं सभी कुछ, तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। नए स्ट्रेन की दहशत से ब्रिटेन इतना ज्यादा स्ट्रेस में है कि उसके पास लॉक होने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं। इंग्लैंड में इस वक्त कोरोना के 27,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जो अप्रैल में आए पहले पीक से 40% ज्यादा है। ब्रिटेन के अस्पतालों में हर 10 में से 6 बेड पर कोरोना मरीज भर्ती है। कई अस्पतालों में ये आंकड़ा 10 में से 6 का भी है, और ये हो रहा है कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से, जो पुराने से 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 60,000 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं, और एक दिन में ब्रिटेन में 830 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यानी नया स्ट्रेन ब्रिटेन में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसे कंट्रोल करने के लिए ही लंदन समेत पूरे ब्रिटेन में एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, और ये लॉकडाउन मार्च में लगे लॉकडाउन से भी ज्यादा सख्त रहने वाला है। When everybody looks at the position, people understand overwhelmingly that we have no choice. When the Office of National Statistics is telling us that more than 2% of the population is now infected, that's over 1 million people in England, and when today we've reported another 60,000 new cases. Corona ka naya strain jitna taakatwar hai, Britain usse nipatne mein utni hi taakat se juta hai. Kareeb 5.5 crore log dobara lockdown ho gaye. Naya lockdown farvari ke ant tak lagu reh sakta hai. Is dauran sabhi school, college aur vishwavidyalay band rahenge. लोगों को सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घरों से निकलने की इजाजत है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े सेक्टर में ही दफ्तर खोले जा रहे हैं। गैर जरूरी दुकानें, हेयर ड्रेसर जैसी पर्सनल केयर सर्विस बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए हैं। नए स्ट्रेन को डाउन करने के लिए
ब्रिटेन एक बार फिर लॉक हो गया है और ये लॉकडाउन फरवरी के अंत तक जारी रहेगा। इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर संगीता चोपड़ा के साथ, जो पीडियाट्रिशियन है एनएचएस ट्रस्ट के साथ, और उनके दो बच्चे भी हैं, एक यूनिवर्सिटी में और दूसरा सेकेंडरी स्कूल में। तो इस लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ा है और सही है कि नहीं, इस तरह रोक सकते थे कि दिसंबर के एंड से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो पता था कि हॉस्पिटल पे बहुत प्रेशर आने वाला है। और तो बच्चों में ज़्यादा सीवियर कोविड नहीं होता है, लेकिन स्कूल में ट्रांसमिशन तो बच्चे एक से दूसरे को दे सकते हैं कोविड। तो स्कूल बंद करना मुझे लगता है ज़रूरी था, लेकिन ये डिसीजन पहले लिया जा सकता था ताकि कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल जाए और दूसरे दिन वापस सब कुछ बंद हो गया। तो एक दिन में कुछ नहीं बदला था, ये अवॉइडेबल था। और अगर ये डिसीजन ठीक टाइम पे लिया होता तो इसलिए ये सब नहीं होता। इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर अभय चोपड़ा के साथ, जो कंसल्टेंट सर्जन है यहाँ लंदन में, और आपको फाइजर वैक्सीन भी मिल चुकी है लेकिन दूसरी डोज का इंतजार है। पर ऐसे तो यही चाहेंगे कि अभी बस ये आखिरी लॉकडाउन हो। डर यही है कि अभी जो नया वेरिएंट स्ट्रेन आया है, इसके खिलाफ अगर हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है या ये वैक्सीन उसके खिलाफ अगर पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं देती है तो फिर क्या। लेकिन साइंस के हिसाब से अभी तो लग रहा है कि वैक्सीन दोनों स्ट्रेन को प्रोटेक्शन दे पाएगी। अगर सब सही तरीके से है तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हम लॉकडाउन से जल्द बाहर आ जाएं। दिसंबर में जब ब्रिटेन क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटा था, तभी नए स्ट्रेन ने वहां दस्तक दी थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन का क्रिसमस और नया साल नए स्ट्रेन के स्ट्रेस में ही बीता था। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के चलते कोरोना से मौतों में 20% इजाफा हुआ है। लंदन में कोरोना के 60% से ज्यादा मामले नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं। ब्रिटेन में पिछले 8 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन को उम्मीद है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ेगा, नए स्ट्रेन का दायरा सिमटता जाएगा। फिलहाल तो नया स्ट्रेन ब्रिटेन को काफी टफ टाइम दे रहा है। लॉकडाउन कुछ इस जो पहले मार्च 2020 में हुआ था उसकी तरह है, लेकिन उस वक्त वैक्सीन नहीं थी, तो हो सकता है कि अब जो लॉकडाउन हम देख रहे हैं, जो 6 हफ्ते का होगा लॉकडाउन, वो शायद इसके बाद और लॉकडाउन करने की कोशिश या गुंजाइश ना हो या ज़रूरत ना पड़े, पर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आप देखें कि हम जहाँ से हैं ऑक्सफर्ड सर्कस में, वहाँ सभी कुछ बंद है। लवीना टंडन, आज तक लंदन। दुनिया को लग रहा था कि वैक्सीन तैयार है और अब धीरे धीरे जो जिंदगी है वो सामान्य हो सकेगी, आम जनजीवन की ओर हम लौट सकेंगे, लेकिन उस सब के बीच ये जो नया स्ट्रेन है, इसने सिर्फ इंग्लैंड को मजबूर नहीं किया है लॉकडाउन लगाने के लिए, बल्कि कई और देशों को भी लॉकडाउन लगाना पड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटेन में नए स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद से भारत समेत 40 से ज़्यादा देशों में नए स्ट्रेन के केस सामने आ चुके हैं। इनमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कनाडा, जापान और सिंगापुर शामिल हैं। 2 नवंबर से लॉकडाउन जारी होने के बावजूद जर्मनी में मंगलवार को वायरस के अभी तक के सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आ गए। पिछले 24 घंटे में जर्मनी में 1,129 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी, जो एक दिन में वहाँ पर मौत का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। यही वजह है कि जर्मनी ने कई कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अमेरिका में तो 14 दिसंबर को नए स्ट्रेन की पुष्टि होने से अब तक 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है और रोजाना 1,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 3,900 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में 31 जनवरी को होने वाले ग्रैमी अवार्ड्स को टाल दिया गया है। अमेरिका में ये हाल तब है जब वहां फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो चुकी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की जो अंतिम किताब थी, उसमें अलग अलग हिस्से उसके जैसे जैसे सामने आते हैं, कहीं पर विवाद छिड़ता है तो कहीं पर एक मीठा अनुभव दोबारा दोहराने का दिल करता है। तो हम आपको बताते हैं कि प्रणब दा की इस किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने कैसे खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन किया है।
जिन उन्होंने 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति पद पर अपने कार्यकाल का बखान करते हुए नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि जिन दो प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया उन दोनों के प्रधानमंत्री बनने की राह एकदम अलग थी। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद सोनिया गांधी ने ऑफर किया था, जबकि नरेंद्र मोदी पॉपुलर चॉइस के जरिए प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद कमाया था। दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में पीएम मोदी की विदेश नीति की प्रशंसा की है। उन्होंने किताब में लिखा है कि जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तब उनके पास विदेश मामलों का कोई भी अनुभव नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कुछ देशों का दौरा किया था, लेकिन ये यात्राएं उनके राज्य की भलाई के लिए सीमित थी। इन यात्राओं का घरेलू या वैश्विक विदेश नीतियों से कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में विदेश नीति उनके लिए सही मायने में अपरिचित क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने वो किया जो किसी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं किया। 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सार्क देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। उनकी इस आउट ऑफ द बॉक्स पहल ने विदेश नीति के कई दिग्गजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। अपनी किताब में प्रणबदा ने पीएम मोदी के कई मुद्दों पर तारीफ की है। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों के राजनीतिकरण पर पीएम मोदी की आलोचना भी की है। साथ ही 2014 में बीजेपी की जीत का भी विश्लेषण किया है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि 2014 के चुनाव नतीजे दो मायने में ऐतिहासिक थे। पहला ये कि 3 दशक बाद किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। दूसरा ये कि बीजेपी को पहली बार खुद से लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ था, जिससे वो अकेले सरकार बनाने के काबिल हुई, हालांकि उसने अन्य दलों से सहयोग लिया। 2020 के जाने और 2021 के आने का बहुत ज्यादा उत्साह पूरी दुनिया में रहा, लेकिन अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। एक तो कोरोना का जो नया स्ट्रेन हम सबके सामने है, और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने है। इसीलिए सबको अभी बहुत खबरदार रहना होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।